हेलो दोस्तों, अश्विनी मूड में आपका स्वागत है। देखिए, आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपका आरआरसी कंडक्ट करा रहा है इस बार, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम। ठीक है, वो ग्रुप डी नहीं ला रहा है, वो अब चल गया है ग्रुप सी का ही, सबसे लास्ट वाला जो पोस्ट होता है वो हो गया है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। लेकिन बोलचाल में आज भी हम लोग भाषा में ग्रुप डी ही इस्तेमाल कर देते हैं, इससे कोई ये होने वाली बात नहीं है। देखिए, जनरल साइंस से यहाँ जो क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में वो आएंगे 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, इंटेलिजेंस जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो होगा वहाँ से 30 क्वेश्चन आएंगे। मीन्स की रीजनिंग यहाँ पर देख लीजिए आप, 30 क्वेश्चन आएंगे, और जो आपका जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर होगा वहाँ से 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अगर टोटल क्वेश्चन मिला लिया जाए तो यहाँ से 45 क्वेश्चन क्या आएंगे, साइंस करेंट अफेयर और जनरल और स्टेटिक्स पोर्सन और करेंट अफेयर मिलाकर ये क्वेश्चन आएंगे। आज हम लोग सेट में 50 क्वेश्चन में बहुत महत्वपूर्ण आपको लाए होंगे, सेट पहला है, और ऐसे कर हम लोग सेट देखते चलेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। आपके 100 क्वेश्चन मिलता है रेलवे ग्रुप डी में, और आपके साथ मिलता है 90 मिनट, और आपको अच्छे से क्वेश्चन लगाना होता है। इस बार का अच्छा खासा वैकेंसी है, तो आपको आराम से एग्जाम की तैयारी करते चलना है अभी से ही, और साथ में NTPC का भी मैं सेट आपको देते चल रहा हूँ। ठीक, अभी तक 10 NTPC का सेट आपको मिल चुका है। आइए शुरुआत करते हैं कि भारत को श्रीलंका से अलग करता है, जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। देखिए, मैं कुछ खास खास वीडियो में कुछ खास खास टॉपिक से भी क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे कि पड़ोसी देश, कौन सा रेखा कौन बनाता है देश, और साथ में सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादन होता है, तो ये सब एक साथ हम लोग देखते चलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का पूरा निचोड़ इसमें डाला गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत को श्रीलंका से अलग करता है, जो भारत है वो श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, समुद्र से पड़ोसी देश है श्रीलंका। ठीक, ये नीचे ही यहाँ पर ही स्थित है श्रीलंका, उसे पाक जल संधि द्वारा अलग किया जाता है। किसके द्वारा? पाक जल संधि, या पाक जल डमरू मध भी कह सकते हैं, उसके द्वारा अलग किया जाता है। याद रखिएगा, पहले के आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है, जो भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है वो कौन सा देश है, किस देश के साथ बनाता है? तो पहले आज़ादी से, जब 1947 में आज़ाद हुआ था भारत, उससे एक दिन पहले एक नया देश भी बना था, पाकिस्तान। उस समय जो पाकिस्तान बना था, ये पश्चिमी पाकिस्तान ये था, और पूर्वी पाकिस्तान में ये बांग्लादेश था। लेकिन 1971 का जो लड़ाई हुआ था, ठीक है, जिसमें भारत भी योगदान दिया था, ये बांग्लादेश ये क्या हुआ, अलग कटकर एक देश बन गया, और ये अपना अलग देश है, और ये पश्चिमी पाकिस्तान को पूर्णतः पाकिस्तान बोला जाता है, और इसे बांग्लादेश बोला जाता है। याद रखिएगा, जो बांग्लादेश है उसके साथ हमारा सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बनता है, क्योंकि वो चारों तरफ से, तीनों तरफ से भारत से ही घिरा हुआ है। ठीक, ये बांग्लादेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाती है, जो भारत है वो सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ बनाती है? सबसे लंबी तो बांग्लादेश से हो गया, सबसे छोटी जो बनाती है ये अफगानिस्तान के साथ बनाती है। क्यों अफगानिस्तान के साथ बनाती है? तो ये 106 किलोमीटर के लगभग सीमा बनाती है अफगानिस्तान के साथ। वो कौन सा? तो जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला भाग पाकिस्तान ने हड़प रखा है, वहाँ वाला जो सीमा बनाता है वो अफगानिस्तान के साथ भी मिलता हुआ है। ठीक, तो वो बनाता है, याद रखिएगा, ये अफगानिस्तान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि तारे का रंग का सूचक होता है, जो तारा है उसका रंग का सूचक क्या होता है? तो उसका ताप होता है, ताप ही मुख्यतः तारे का रंग का सूचक होता है। ठीक है, ताप के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा। अब सूरज में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आया था पिछले बार, और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आता ही है। तो सूरज में ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन के 4 नाभिक है वो मिलकर हीलियम के 1 नाभिक बनाते हैं, जिसमें ऊर्जा मुक्त होता है, और ऊर्जा मुक्त होता है वहीं उसका स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाता है, कोई पूछ देता है कि हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो अभी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है, और जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। विखंडन में बड़े बड़े जो नाभिक होते हैं उनको तोड़ा जाता है, जिससे ऊर्जा निकलता है, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, ऐसे कुछ बड़े बड़े थोरियम नाभिक जो होते हैं उनको तोड़कर ऊर्जा निकाला जाता है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। और भी एक मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, जो हमारा पृथ्वी है वो पृथ्वी है जो सौरमंडल का भाग है, 8 ग्रह है, सौरमंडल का मुखिया जो सूरज है, सूरज भी एक प्रकार का तारा ही है। और अगर पूछता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन है, तो सूरज ही है, और उसका भी स्रोत कौन है, नाभिकीय संलयन। अगर सूरज ऑप्शन में नहीं देता है तो प्रक्षिमा संचूरी देता है, वो भी हो जाएगा, लेकिन सूरज भी एक तारा है, अपना प्रकाश है उसके पास, और नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है, जो भारत और पाकिस्तान है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, उनके बीच सीमा रेखा है। अभी फिलहाल ही 2 दिन पहले ही पाकिस्तान वर्ल्ड कप में ये 7वीं बार हारा है, पाकिस्तान ने 7वीं बार ये हार हुआ है वर्ल्ड कप में इंडिया से, 7 बार से वो कभी जीत ही नहीं रहा है इंडिया से। ठीक, और अभी फिलहाल ही हुआ, तो हम लोग वो करेंट अफेयर में देख सकते हैं। करेंट अफेयर का मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज लाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको लगभग 500 से 600 क्वेश्चन कराने वाला हूँ पूरे 1 साल का, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, साथ में उसका सॉल्यूशन भी, और उसके साथ 3-4 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन। ठीक, कि एक भी आपका करेंट अफेयर ना छूटे, साथ में इसमें भी हमने करेंट अफेयर ले रखा है, तो ये आप निश्चिंत रहिएगा, चारों तरफ से आपका तैयारी होगा। NTPC के लिए मैं अलग सेट प्रोवाइड कराता हूँ, ये ग्रुप डी के लिए है सेट, बाकी CISF के लिए भी, हेड कॉन्स्टेबल के लिए सेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक,
भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे हम लोग रेड क्लिप कहते हैं। रेड क्लिप के नाम ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, जैसे कि रेड, रेड मीन्स क्या होता है, लाल होता है। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच खून का भी रिश्ता है, भारत से ही कटकर पाकिस्तान बना है, या ये भी रख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच खूनी जंग भी चलता है, तो रेड क्लिप यहां से याद कर सकते हैं। रेड क्लिप साहब आए थे इंग्लैंड से और उन्हीं ने यह सीमा का निर्धारण किया था, तो भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है, जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है, सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री बनाता है लंबा वो बांग्लादेश से भारत बनाता है, वो राज्य कौन सा है, और वो राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा कौन सा है, बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ राज्य है, और त्रिपुरा से जो उत्तरी अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री जिसे हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, वो भी पार होता है, जैसे वो गुजरात, मध्य प्रदेश, ऐसे छत्तीसगढ़, रांची, ऐसे बहुत से जगहों से पार होता है। तो वो क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में मैं पूरा बताऊंगा कि वो कौन कौन राज्य से पार होता है, ठीक। अब 6 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। साथ में ये भी याद रखिएगा कि विश्व के सबसे ज्यादा बारिश मेघालय में ही होता है, जो कि दो स्थान याद रखिएगा, चेरापूंजी और मानसीराम और चेरापूंजी, ठीक है। और मणिपुर का लोकटक झील याद रखिएगा, मणिपुर डांस भी याद रखिएगा, तैरता हुआ झील, ठीक, ये भी याद रखिएगा। अब बात आता है मेघालय में, मेघालय में तीन प्रकार के पहाड़ भी पाई जाती है, गारो, खासी, जयंतिया, और उन्हीं के नाम पर जनजाति भी है, गारो, खासी, जयंतिया। और ये तीनों के ये तीन क्वेश्चन देखिए, गारो, खासी, जयंतिया, ये दिया था क्वेश्चन कि गारो पहाड़ी कहाँ पर स्थित है और गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है। ये अलग अलग शिफ्ट में कर ग्रुप डी का पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा, तो अलग अलग शिफ्ट में यहाँ से 6 क्वेश्चन बनाया था। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश में पहाड़ी पाया जाता है, गारो ने बांग्लादेश नहीं मेघालय में पाया जाता है, कौन कौन, तो हमारे राज्य में मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया, और यहीं से टकरा कर पूरा बारिश होता है, और ये जनजाति भी है और पहाड़ी भी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत के सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है, भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी जो देश है हमारा वो कौन है, तो ये श्रीलंका है, समुद्री पड़ोसी देश पूछ रहा है, तो श्रीलंका सबसे है। देखिए दो देश होते हैं, जैसे कि एक समुद्री वाला, जैसे जल सीमा वाला होते हैं, जैसे कि श्रीलंका हुआ और मालदीप हुआ, एक होता है स्थल सीमा वाला, जैसे कि ये भारत हो गया, यहाँ से पाकिस्तान हुआ, स्थल सीमा के साथ बना हुआ है, और साथ में इसका जल सीमा वाला भी है, गुजरात वाला क्षेत्र में, कच्छ वाला। देखिए ये हो गया पाकिस्तान, इसके बाद अफगानिस्तान मान लीजिए, फिर यहाँ पर चीन हो जाता है, फिर यहाँ पर नेपाल, भूटान, और यहाँ पर म्यांमार, ये सब हमारा क्या है, पड़ोसी जो है स्थल सीमा के देश है, और यहाँ पर श्रीलंका जो कि पाक जल डोमरूमध, और यहाँ पर हो जाएगा मालदीप, ये सब क्या है, स्थल सीमा वाला है, ठीक। तो 8 डिग्री जो अलग करता है वो याद रखिएगा, और 10 डिग्री, ये दोनों पूछ देता है इसका क्वेश्चन, तक 10 डिग्री भी पूछ देता है, 8 डिग्री भी पूछ देता है, 10 डिग्री अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच, और 8 डिग्री जो है वो मालदीप को अलग करता है भारत से। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ, जो रेड क्लिफ रेखा है इसका निर्धारण किस वर्ष हुआ, तो ये जब आज़ादी हुआ था भारत का, उसके एक दिन पहले तो पाकिस्तान बना था, तो वो बहुत जल्दीबाजी में सीमा निर्धारण किया गया था, यह रेड क्लिफ साहब द्वारा किया गया था, तो रेड क्लिफ 1947 में ये सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था। 1947 में भी हमारा देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ, इसकी संविधान लागू हुआ था पूरा, था ये भी याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है, पृथ्वी और चंद्रमा से क्वेश्चन पूछता है, तो ये द्रव्यमान पूछ रहा है कि कितना होता है, जो पृथ्वी है उसका कितने गुने कम होता है ये पूछ रहा है, या कितने गुने ज़्यादा होता है पृथ्वी द्रव्यमान चंद्रमा से, ये दोनों आप कंपेयर कर सकते हैं, तो 1/81 होता है, मीन्स के 1/81 गुना मीन्स की कम होता है, ये क्या होता है, चंद्रमा का द्रव्यमान होता है पृथ्वी का, याद रखिएगा, ये एक कंपेयर पूछ रहा था। देखिए पृथ्वी और चंद्रमा के द्रव्यमान में तो कंपेयर हो गया, पृथ्वी का सैटेलाइट कौन है, मीन्स की प्राकृतिक उपग्रह भी है चंद्रमा, और चंद्रमा का लगभग 59% भाग ही दिखाई देता है पृथ्वी से, ये भी याद रखिएगा। और ये याद जरूर रखिएगा कि चंद्रमा जो चंद्र ग्रहण और जो सूर्य ग्रहण लगता है, इसमें चंद्रमा का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, हम लोग क्वेश्चन वो लेंगे कि क्यों चंद्र ग्रहण लगता है और क्यों सूर्य ग्रहण लगता है, ये भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। अब देखिए चंद्रमा पर जो है, जो एक होता है द्रव्यमान, एक होता है आपका भार, द्रव्यमान और भार में लोग कन्फ्यूजन कर लेते हैं, एक होता है मास होता है, एक होता है वेट, वेट मीन्स होता है भार और मास मीन्स होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है वह स्वतंत्र क्वांटिटी है, जैसे कि टाइम हुआ वैसे द्रव्यमान हुआ, जैसे कि टाइम को टी से सेकंड से डिनोट किया जाता है, ठीक, द्रव्यमान को केजी से डिनोट किया जाता है, ऐसे मीन्स की आप यहाँ पर देखिए द्रव्यमान जो हुआ उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, द्रव्यमान जो रहेगा हर जगह, हर किसी भी प्लैनेट पर ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, वो सेम ही रहता है, लेकिन जो भार रहता है वो अकॉर्डिंग टू गुरुत्वाकर्षण बल और जो ग्रह कितना गुरुत्व लगा रहा है अपना उसके अकॉर्डिंग वो पता चलता है, ठीक है। तो जो पृथ्वी पर होता है भार, मान लीजिए पृथ्वी पर जो होता है गुरुत्व, वो चंद्रमा के गुरुत्व के, जैसे चंद्रमा का गुरुत्व कौन हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, तो पृथ्वी पर 1 गुरुत्व होगा, तो इसका क्या होता है, 1/6 होता है चंद्रमा पर। तो वैसे अगर भार पूछा जाए तो भार भी गुरुत्व का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर भार 60 है, मीन्स की 60 है चंद्रमा पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, इसका 1/60 का क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये 10 भार हो जाएगा। कैसे कर आप याद कर सकते हैं, भार जो होता है 1/6 हो जाता है चंद्रमा पर पृथ्वी का कंपेयर कीजिएगा, तो 9 का आंसर जो द्रव्यमान का कंपेयर कीजिएगा तो 1/6
81 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है, जो पृथ्वी है उसका औसत तापमान भी होता है, सालों भर का तापमान जो औसत तापमान होता है ये 15 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों 15 डिग्री सेल्सियस होता है, देखिए इसका कारण बहुत है, 15 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा इसका तापमान बढ़ रहा है, 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, जिससे पूरा जो ग्लेशियर है पिघल रहा है आर्कटिक क्षेत्र का, अंटार्कटिक क्षेत्र से, और जो समुंदर है उसका लेवल बढ़ रहा है। इसमें मुख्यतः योगदान जो लगाता है वो CO2 का लगाता है। तो अगर आपको कोई पूछ दे कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें मुख्य योगदान किसका होता है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। अब ये बहुत लोग कन्फ्यूजन रहते हैं कि बार बार CO2 का नाम हम सुनते हैं, आखिर क्या होता है इससे। देखिए CO2 होता है जो कि आप CO2 कैसे कैसे निकलता है, तो पेड़ काटने से CO2 जो होता है पेड़ लेता है और ऑक्सीजन देता है, और CO2 पेड़ काट रहे हैं तो CO2 लेना बंद कर देगा, ठीक, ऑक्सीजन भी देना बंद हो जाएगा, तो वो CO2 अपने आप ही वायुमंडल में बढ़ने लगेगा। CO2 मुख्यतः 0.03% पाया जाता है ये हमारे वायुमंडल में, 0.03 मुख्यतः पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, पेड़ का कटाई, जंगल काटना, साथ में जीवाश्म ईंधन भी जलाते हैं तो CO2 निकलता है, और CO2 निकलता है, CO2 का काम क्या होता है, देखिए CO2 आप अपना शुक्र ग्रह के बारे में जान रहे होंगे, शुक्र ग्रह आप पृथ्वी का जुड़वा बहन बोला जाता है, लेकिन वहाँ जीवन उपस्थित नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, यह बात आपको पता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, सबसे चमकीला ग्रह इसीलिए CO2 को बोला जाता है, और सबसे गर्म ग्रह भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर 90 से 96% क्या है, CO2 है, 96% 95% के परी CO2 है। CO2 का काम क्या होता है, तो CO2 का काम होता है जैसे सूर्य का प्रकाश आया, ठीक है, उसे अवशोषित कर लेगा, उसे छोड़ेगा नहीं, अवशोषित कर लेगा, बांधे रहेगा और गर्मी उत्पन्न करेगा। तो जैसे जैसे CO2 बढ़ेगा सूरज का प्रकाश उतना ज़्यादा अवशोषित होगा और पृथ्वी का गर्म उतना ही होगा, और जैसे जैसे गर्म पड़ेगा पूरा ग्लेशियर पिघलेगा, समुद्र ऊपर आएगा, आग लगेगा कहीं, तो ऐसे ऐसे होते रहता है। तो CO2 का मुख्य काम यही होता है, ठीक है। और पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है, 15 डिग्री सेल्सियस, और तापमान बढ़ाने में मुख्य स्रोत कौन है, तो CO2 निभा रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है, कौन सी ग्रंथि है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है ब्लड प्रेशर को, तो एंड्रिनल ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि, देखिए मास्टर ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि, एक दोनों एक ही ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि को हम प्यूटरी ग्रंथि को ही हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, राष्ट्रीय उद्यान से बार बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक, अभी फिलहाल देखा जाए तो बार बार राष्ट्रीय उद्यान से, क्योंकि अभी क्लाइमेट बहुत बड़ा इफेक्ट ये कर रहा है, और क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी, पर्यावरण, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये गुजरात में स्थित है, और गिर जो है एशियाटिक लायन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक, शेर के लिए, और गिर ये कहाँ है, ये कहाँ है, गुजरात में स्थित है। गुजरात के बारे में जान लीजिए, गुजरात जो है ये हमारा राज्य है, और गुजरात जो है ये महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र गुजरात दोनों अलग हुए थे, ठीक, एक दूसरे में पाले थे लेकिन बाद में अलग हुए, और गुजरात जो है ये सबसे ज़्यादा इसका समुद्र सीमा है, किस जो समुद्रीय जो सीमा है इसका सबसे ज़्यादा लंबा किसका है, गुजरात का है, उसके बाद आता है किसका, आंध्र प्रदेश का आता है, ठीक, तो ये भी याद रखिएगा गुजरात के बारे में, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 13 है कि श्वेत रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है, जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जिसे हम लोग व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, ये जो होता है जो हमारे शरीर में जो भी बाहर से कीटाणु लोग हमला करते हैं उससे प्रतिरक्षा करता है, ठीक है, ये श्वेत रक्त कणिकाएं करते हैं, 4 से 5 दिन इसका जीवन काल होता है, 4 से 5 दिन तक, और जो रेड ब्लड सेल है उसका 120 दिन तक जीवन काल मुख्यतः माना जाता है, ठीक। ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं इसका निर्माण अस्थि मज्जा में भी होता है, लिम्फोनोड में भी होता है, पलिहा में भी होता है, तो इसमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक, याद रखिएगा। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है, लंबी नदी तो बार बार आप सुनते होंगे, गंगा, गंगा याद किए होंगे, और गंगा की सबसे सहायक नदी भी लंबी कौन है, यमुना है, और दोनों का संगम कहाँ होता है, तो प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद बोला जाता है, प्रयागराज, ठीक, ये भी याद होगा। लेकिन भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है, तो भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है, ब्रह्मपुत्र नदी है, कौन है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक, याद रखिएगा। और यहाँ पर कावेरी जो है ये भारत का दक्षिणी गंगा बोला जाता है, भारत के दक्षिणी गंगा किसे बोला जाता है, कावेरी नदी को बोला जाता है, और बिहार का शोक किसे बोला जाता है, तो ये कोसी नदी को, क्योंकि ये अपना रास्ता बहुत ज़्यादा बदलती है, तो बिहार का कोस शोक जिसे बोला जाता है, कोसी नदी को, और बंगाल का पहले शोक किसे बोला जाता था, तो दामोदर नदी को, तब पर उस पर बैराज बना उनाकर उस पर ये कर लिया गया है, लेकिन कोसी आज भी शोक बना हुआ है बिहार का, ठीक, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है, जो इंसुलिन हार्मोन होता है इसका कार्य क्या होता है, ठीक, तो ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, जो रक्त है उसमें ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, किसका, इंसुलिन, ठीक, यही इंसुलिन का कमी जो होता है वैसी से क्या होता है, मधुमेह रोग हो जाता है। अब कमी से लोग बोलते हैं कि कमी होने से होता है कि बेसी से होता है, नहीं, कमी से, इंसुलिन हार्मोन जब कमी होता है तो ग्लूकोज की मात्रा क्या होता है, बढ़ने लगता है शुगर में, हार्मोन कमी होता है लेकिन ग्लूकोज की मात्रा शुगर में बढ़ने लगता है, इसी से क्या होता है, मधुमेह रोग होने लगता है, इसकी चिनिया रोग जिसे बोला जाता है। तो 15 का ए हो जाएगा, आई थिंक सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या बताने का तरीका, तब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, देखिए ग्राफ से भी क्वेश्चन दे रखा है, तो ग्राफ से भी बार बार क्वेश्चन दे रखता है, ठीक है, ग्राफ में क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, देखिए इसे आराम से पढ़िए, ठीक। निम्नलिखित में से सेल्सियस और फरनहाइट पैमाने पर मापे गए मापक्रम को दर्शाया गया है, कौन सा ग्राफ सेल्सियस और फरनहाइट मापे गए मापक्रम को, सेल्सियस और फरनहाइट में दोनों में ये बताना है कि कौन सा सही ग्राफ है, ये बस ये समझ लीजिए। तो देखिए
इसमें जो होगा ये आप सोचिएगा कि ये इसमें से कौन हो जाएगा, तो इसे लगाइएगा 16, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि सेल्सियस देखिए इसका ही ये होता है जो आप देखिएगा ग्राफ, यहाँ से फरनहाइट बढ़ता है, यहाँ से ये कंटिन्यूस रहता है, तो ये फरनहाइट ऊपर तरफ और सेल्सियस नीचे ऐसे हो जाता है, ठीक। तो ये 16 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लास्ट ग्राफ का एक और क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन ग्राफ से मैंने लिया है, एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन उठाया गया है, क्योंकि आपको देखिए पता है कि इसमें साइंस जो पूछता है कुछ ऐसे ही पूछता है, फार्मूला बेस, जैसे कि आपका एक्सीलेरेशन दिया रहेगा, मास दिया रहेगा, और पूछ देगा कितना बल लगेगा, आपका द्रव्यमान से क्वेश्चन पूछ देता है। तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एनसीईआरटी सारा खत्म करेंगे, 9th 10th सारा क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक। दिए गए समय ग्राफ में चाल का मान क्या है, इसमें चाल का मान पूछ रहा है, और आपको दिया क्या है, तो यहाँ पर देखिए समय दिया है और क्या दिया है, दूरी दिया है, ठीक। ऑप्शन में अब नहीं लगाइए, यहाँ से ही बना लीजिएगा। तो यहाँ पर दूरी दिया है कितना, तो यहाँ शुरू से भी निकालिए गए, या यहाँ देखिए यहाँ पर 8 अगर मान रहे हैं दूरी, तो सेकंड में 1 सेकंड समय मानिएगा, 16 मान रहे हैं तो इसका 2 सेकंड मानिएगा, 24 मान रहे हैं तो 3 सेकंड मानिएगा, या 32, तो टोटल मान लीजिए 32 है, टोटल 32 पर भी मानिएगा तो टोटल समय कितना लग रहा है, 4 सेकंड, तो यहाँ पर हो जाएगा ये चाल निकल जाएगा, दूरी बटा में समय इक्वल टू चाल, तो 8 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर भी 8 निकल कर आ रहा है, या शुरू से भी देखिए यहाँ से भी करिएगा तो 8 ही 8/1 8 ही निकल कर आएगा, यहाँ पर भी 16/2 8 ही निकल कर आएगा, मीन्स की जो होता है ये कॉन्स्टेंट है, तो दूरी बटा में समय क्या हो जाता है, चाल हो जाता है, और जो निकल कर आ रहा है कितना आ रहा है, 8 मीटर प्रति सेकेंड आता है। ये मीटर प्रति सेकेंड जो होता है ये जरूर याद रखिएगा, ठीक। डायमेंशन फार्मूला भी याद रखिएगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि डायमेंशन फार्मूला भी पूछ रहा था पिछला बार, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 है कि समय ताप वाली दो गेंद परस्पर साम ताप वाली, समान ताप है, दोनों का समान ताप है, और वो एक दूसरे से टकरा रही है, तो निम्नलिखित में क्या संरक्षित रहेगा, कि क्या वो बराबर रहेगा, मीन्स की संरक्षित रहेगा, तो ये संवेग रहेगा। संवेग संरक्षण के सिद्धांत आप पढ़े होंगे, ताप से उसे कोई मतलब नहीं है, कोई गेंद भी अगर टकराता है आपस में, ठीक, समान वाला, तो वो संवेग संरक्षण ही रहता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत आप पढ़े होंगे, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है, जो एक जेट इंजन है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो एक जो जेट इंजन है ये रखिए संवेग संरक्षण, रखिए संवेग संरक्षण, रखिए संवेग संरक्षण, 3 बार मैंने बोला, याद रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण भी याद रखिएगा। उस ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या करता है, ऊर्जा ना तो क्रिएट किया जा सकता है, नहीं डिस्ट्रॉयड, मीन्स की ऊर्जा ना तो बनाया जा सकता है, नहीं उसे मिटाया जा सकता है, ये ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और इसमें ही एक फार्मूला दिए थे आइंस्टीन जी, E=mc², ठीक, ये फार्मूला भी याद रखिएगा, संवेग ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर था। अब देखिए दुर्गा पूजा छठ पूजा, अलग अलग पूजा होता है, जो कि गणेश पूजा, ये अलग अलग पूजा मनाया जाता है अलग अलग क्षेत्र में, ठीक। तो जैसे दुर्गा पूजा किस राज्य की प्रमुख त्यौहार है, जो दुर्गा पूजा मनाया जाता है मुख्यतः ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, मुख्यतः ये उत्तरी भारत में भी मनाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचंड रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, कोलकाता है, अभी वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं, ठीक, ये भी याद रखिएगा। और जो दुर्गा यहाँ पर पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए पश्चिम बंगाल है, दुर्गा पूजा किस राज्य के प्रमुख त्यौहार है, पश्चिम बंगाल के त्यौहार है, ठीक है। अब यहाँ पर छठ पूछता है, तो ये कहाँ के है, बिहार का है, छठ पूजा कहाँ का है, बिहार का है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, हमारे भारतीय संविधान सभा, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा गठित किया गया था, उसके अस्थायी और अस्थायी सदस्य के बारे में पूछ देता है, तो जो संविधान सभा गठित किया गया था उसका जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था उन्हें सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, उसके 2 दिन बाद ही अस्थायी अध्यक्ष किसे बना दिया गया था, तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो इसमें अस्थायी पूछ रहा है ये थे, तो सबसे जो सीनियर मोस्ट थे सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को बनाया गया था, और इनके बाद कौन बनाए गए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष, यही हमारे सबसे प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे, ठीक, ये भी याद रखिएगा। और ड्राफ्टिंग कमेटी दोनों जो थे, यहाँ पर देखिए सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद, ये दोनों बिहार से थे, ये भी याद रखिएगा। जो संविधान सभा में कौन नहीं थे, तो ये महात्मा गांधी संविधान सभा से कोई मतलब नहीं था, ये उनका भाग नहीं थे संविधान सभा में, ठीक, ये नहीं थे, याद रखिएगा। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया, ड्राफ्टिंग मीन्स की संविधान का जो प्ररूप तैयार करता है उसका अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 1965 में किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ये किस क्षेत्र में पूछ रहा है, प्रदान किया जाता है, ठीक। तो देख ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, इस साल के भी ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, ये भी आपको याद रहना चाहिए। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, किस क्षेत्र में, बहुत बड़ा ये पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र का इंडिया में, तो ये साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख दिखिए कि हाइड्रोकोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है, जो हाइड्रोकोलिक ब्रेक है, या ट्रेन में भी देखिएगा, बस में भी देखिएगा, ठीक, ऐसे कुछ ब्रेक जो होता है ये किस सिद्धांत पर काम करता है, ये पास्कल के नियम पर सिद्धांत पर काम करता है, किसके, तो पास्कल सिद्धांत के, ठीक, याद रखिएगा। बहुत विभिन्न क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो ये मुंबई है, ठीक, याद रखिएगा। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हैजा रोग फैलता है,
जो हैजा रोग है वो किससे फैलता है, तो ये गंदे पानी से फैलता है। हैजा रोग जब फैलता है तो लाखों लाखों हजारों आदमी पहले मर जाते थे, ठीक, तो ये गंदे पानी से फैलता है, याद रखिएगा हैजा रोग। ठीक, टाइफाइड भी जो होता है वो भी गंदे पानी से भी होता है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि चौहान वंश का संस्थापक कौन था, जो पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश से ही थे, तो वो पृथ्वीराज तृतीय थे जो 1991 में जो युद्ध हुआ था, 1191 में 1192 में युद्ध तराइन के युद्ध हुआ था प्रथम द्वितीय, वो चौहान से जो पृथ्वीराज तृतीय चौहान थे, ठीक, ये याद रखिएगा। चौहान वंश के जो असली संस्थापक थे वो कौन थे, तो वासुदेव जी थे, याद रखिएगा। ठीक, गोपाल वंश के जो संस्थापक थे वो गोपाल थे, ठीक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जापान के मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है, जो जापान है उसके मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है, तो एन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, एन जो है टका जो है ये बांग्लादेश का मुद्रा है, ये भी याद रखिएगा, एन के नाम से जाना जाता है। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 के गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है, जो गोलकुंडा के किला से क्वेश्चन आ जाता है ये कहाँ पर स्थित है, राज्य में किस स्थित है, तो जो गोलकुंडा का किला है ये तेलंगाना में स्थित है, कहाँ पर है, तेलंगाना में स्थित है। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तेलंगाना जो राज्य है ये भारत का 29वां राज्य बना था, किससे कटकर बना था, तो ये 2 जून 2014 को बना था, ठीक, तो 2 जून को क्या मनाया जाता है, तेलंगाना दिवस मनाया जाता है, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था 29वां राज्य कटकर, किससे, तो ये आंध्र प्रदेश से कटकर बना था। अभी 29 राज्य है, 7 केंद्र शासित राज्य है। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सूर्य से ऊर्जा का स्रोत है, देखिए क्वेश्चन आ ही गया, सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो क्या होता है, तो ये नाभिकीय संलयन होता है, क्या होता है, नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर हीलियम के 1 नाभिक बनाते हैं, तो नाभिकीय संलयन होता है। अगर ये पूछता है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर करता है, तो नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम में क्या होता है, बड़ा बड़ा नाभिक को बौछार कराकर न्यूट्रॉनों को तोड़ा जाता है, उसमें ऊर्जा निकलता है, तो वो नाभिकीय विखंडन हो जाता है। लेकिन हाइड्रोजन बम किस पर करता है, तो वो नाभिकीय संलयन पर काम करता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला मिलता है, जो कोयला का सबसे शुद्धतम प्रकार होता है वो एंथ्रेसाइट होता है, ज़्यादा उच्च ताप भी देता है और कम धुआं भी देता है, वो एंथ्रेसाइट होता है। लेकिन पूछ रहा है कि किस राज्य में सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, तो हमारे सबसे ये क्या है, निचले वाले दक्षिणी राज्य कौन है, तो तमिलनाडु में पाया जाता है। तमिलनाडु में लौटते हुई वर्षा भी होती है, जैसे लौटता हुआ वर्षा जाड़े के दिन में जो वर्षा होता है, बाढ़ आ जाता है, आप सुनते होंगे चेन्नई में, वो तमिलनाडु में ही होता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है, और मध्य प्रदेश जो है ये सोया प्रदेश भी बोला जाता है, सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। झारखंड जो है ये बिहार से कटकर 2000 में अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ हुआ था जो कटकर, ये हुआ था आपको मध्य प्रदेश से कटकर, और जो उत्तराखंड कटकर हुआ था वो उत्तर प्रदेश से कटकर अलग हुआ था, कब, 2000 ईस्वी में, तीनों हुए थे, याद रखिएगा, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15, ठीक, ये 3 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है, जो भारत के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है ये पूछ रहा है, तो भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कम वर्षा होती है, तो बहुत लोग मानेंगे राजस्थान के जैसलमेर में, जी नहीं, लेह में जो है ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, वहाँ पर वर्षा नहीं होती है, ना के बराबर होती है, तो लेह में सबसे अधिक वर्षा होता है, ठीक, तो लेह में सबसे अधिक वर्षा होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर बल दिया गया था, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है इसमें किस पर बल दिया गया था, तो इसमें जो दिया गया था ये कृषि पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में, ठीक। अभी तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया है, ये भी याद रखिएगा, जिसके अध्यक्ष कौन होते, प्रधानमंत्री होते हैं, यहाँ तक योजना आयोग भी था तो उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते थे, ठीक। ये संविधानिक बॉडी भी नहीं है, याद रखिएगा, ये संविधानिक बॉडी नहीं है, ठीक, संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया है। ये जो प्रथम पंचवर्षीय या कृषि पर दिया गया था, और जो द्वितीय दिया गया था ये औद्योगिकीकरण पर दिया गया था, द्वितीय किस पर, औद्योगिकरण पर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, जो फंडामेंटल यूनिट है 7 उसमें से ताप भी याद रखिएगा। ताप का जो एसआई मात्रक होता है वो कौन होता है, तो केल्विन होता है, ठीक। 33 आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसकी प्राथमिकता दी, देखिए आ गया क्वेश्चन कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसमें किसमें दिया गया था, तो औद्योगिकरण को दिया गया था, औद्योगिकरण को दिया गया था, और बहुत से फैक्ट्री, बहुत से उद्योग यहाँ पर स्थापित किए गए थे, अलग अलग रूस से, कहीं कहीं अमेरिका से, कहीं जापान से, कभी जर्मनी से सहयोग से, फ्रांस के सहयोग से, अलग अलग जैसे स्थापित किए गए थे कारखाना, ठीक। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखिएगा। करंट अफेयर से क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि 17 दिसंबर 2018 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी, तो छत्तीसगढ़ में जो शपथ ग्रहण किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, तो भूपेश बघेल द्वारा किया गया था, जो नए बने थे यहाँ पर मुख्यमंत्री, ठीक, ये भूपेश बघेल बने थे, छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, यहाँ पर याद रखिएगा, तो भूपेश बघेल, ठीक। 35 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि दिसंबर 2018 को किस देश ने हॉकी विश्वकप 18 जीता, 2018 को जो हॉकी विश्वकप हुआ था 16 दिसंबर 2018 को, वो किस देश ने जीता था और किस देश को हराया था, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए ये जो हुआ था 28 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच हुआ था, 16 दिसंबर को ये खत्म हो गया था, और इसमें जो जीता गया था ये पूछ रहा है, तो देखिए
बेल्जियम जीत गया था, ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, तो बेल्जियम जीत गया था और जो इसमें हारा कौन था दूसरे स्थान पर, तो नीदरलैंड था, तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया था, ठीक, तो बेल्जियम जीत गया था याद रखिएगा। और ये दो तीन दूसरे जीता था, मीन्स कि एक ही मात्र पॉइंट से ये हार गया था, कौन, तो नीदरलैंड, ठीक। और इसका बेस्ट प्लेयर जो बना था ये ऑर्थर वोन थे, ठीक, ये कौन थे, ऑर्थर वोन थे, ठीक। और जो ये हुआ था ये कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया में ही हुआ था, इंडिया के जो भुवनेश्वर है ना यहाँ पर उड़ीसा में, उड़ीसा याद रखिएगा, उड़ीसा की राजधानी कौन है, भुवनेश्वर, वहाँ पर ही हुआ था जो कि आपको 14वें हॉकी विश्व कप हुआ था, ठीक, इसी के बारे में, 14वें हॉकी विश्व कप के बारे में ही ये है, ठीक, ये कहाँ हुआ था, उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था याद रखिएगा, ठीक, कलिंगा स्टेडियम स्थित है वहीं पर हुआ था, उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 16 दिसंबर 2018 को ग्वांगचू चीन में संपन्न BWUF वर्ल्ड टूर फाइनल्स टूर्नामेंट में खिताब किसने जीता था, ये जो चाइना में हुआ था, कौन से, ग्वांगचू में हुआ था, ठीक, ये BWUF जो वर्ल्ड टूर फाइनल्स टूर्नामेंट हो खिताब किसने जीता था ये पूछ रहा है, ठीक। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 27 नहीं है 37 हो जाएगा, 37 का आंसर क्या हो जाएगा, पीवी सिंधु ने जीता था, ठीक याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 38 के निम्न में से किसमें कार्बन की प्रतिशत अधिक होती है, इसमें से पूछ रहा है कि किसमें कार्बन की प्रतिशत अधिक होती है, तो इसमें कार्बन के प्रतिशत, ढलवा जो लोहा होता है उसमें कार्बन के प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है, तो ढलवा लोहा याद रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 की सबसे कठोर तत्व है, जो सबसे कठोर तत्व है उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन है, तो हीरा होता है, सबसे कठोर तत्व क्या होता है, हीरा होता है, ठीक। हीरा अप्रूव किसका है, तो ये ग्रेफाइट का है, ग्रेफाइट सीधे मुलायम हो जाता है, हीरा क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, हीरा में जो चमक होता है ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही हीरा में चमक होता है, जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है वो चांदी होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। सोना जो है ये शुद्ध अवस्था में या पूर्णतः स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, और 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न होते हैं, देखिए आ गया क्वेश्चन, क्या होते हैं रासायनिक गुण, क्या होते हैं, समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण गुण होते हैं, भौतिक में जैसे कि कोई लोग मुलायम होता है तो कुछ लोग कठोर होते हैं, वो भौतिक ऊपर की अवस्था हो जाता है, वो गुण हो जाता है, ठीक। तो भौतिक गुण क्या होता है, भिन्न होता है, जैसे कि हीरा क्या होता है, ऊपर से बहुत कठोर होता है लेकिन अप्रूप किसका है, ग्रेफाइट का है, दोनों एक ही कार्बन से ही मिलकर बने हुए हैं, ठीक है, ठीक, कार्बन के ही अप्रूप है, लेकिन ग्रेफाइट मुलायम होता है जिसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है, स्नेहक के रूप में किया जाता है, और जो हीरा होता है इसका काटने में, शीशा काटने में, बड़ा बड़ा जैसे कि उद्योग में इसका किया जाता है, ठीक है। तो ये हीरा जो होता है कठोर होता है सबसे, तो ये दूसरे के क्या होते हैं, अप्रूप होते हैं, इनका रासायनिक गुण समान होता है लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 के पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन है, इसका ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, पेंसिल बनाने में किसका होता है, तो ग्रेफाइट का होता है याद रखिएगा, शीशा काटने में हीरा का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 से 52 नहीं माफ कीजिएगा, करंट अफेयर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 जनवरी 2019 को, देखिए 26 जनवरी नहीं 26 फरवरी है माफ कीजिएगा, 26 फरवरी 2019 को दिल्ली के किस मंदिर में विशाल भागवत गीता का विमोचन किया गया, ठीक। ये बहुत बड़ा भागवत गीता है जो कि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया था, ये किया गया, ये इस्कॉन जो मंदिर है इसमें किया गया था, ठीक। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, 42 जो है ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। तो ये इस्कॉन मंदिर में किया गया था, किसके द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक। इसके बाद 17वां लोकसभा का चुनाव भी हुआ, उसमें भी जीत कर बीजेपी आया, तो प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र दास मोदी हैं, हाँ कुछ मंत्रालय अलग अलग हुए हैं, पूरे मंत्रालय जो जो अलग अलग हुए उनके मुख्यमंत्री, बल्कि उनके मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के सारे पर मैं अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा जो कि बहुत टेक्निक और बहुत ट्रिक से मैं आपको याद करा दूंगा, बस एक खाली रखिएगा, सारा सब लोगों का नाम याद हो जाएगा, ठीक। उनका कहाँ का संसदीय क्षेत्र था ये भी याद हो जाएगा, तो 42 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक। ये भी याद रखिएगा, तो ये जो स्वामी जो इस्कॉन का स्थापना किए थे ये प्रभुपाद जी ने किए थे, ठीक, ये भी याद रखिएगा। और इसका कहानी आप सुनिएगा तो दंग रह जाइएगा, जब इस्कॉन का स्थापना हुआ था तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, विदेश में बहुत बड़ा इसका शाखा है, ठीक। इसका जो किया गया था, प्रिंट किया गया था, वो मिलन द्वारा किया गया था, ठीक। ये मिलन जो है इटली में स्थित है, जो कि छापा गया था, मीन्स कि ये किया गया था, तो मिलन द्वारा किया गया था, ठीक। तो यूपो साइंथेटिक पेपर का उपयोग किया गया था इसमें, यूपो साइंथेटिक पेपर, और ये वाटर प्रूफ भी है। इतना तो क्वेश्चन आप यहाँ से आएगा तो एक भी नहीं छोड़िएगा। किस देश की राजधानी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक बार बार हर एग्जाम में यह क्वेश्चन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, की राजधानी का नूर सुल्तान रख दिया है नाम बदलकर, किस देश का जो रख दिया है नूर सुल्तान रख दिया है नाम बदलकर, ये पूछ रहा है। तो ये जो रखा गया है ये कजिकिस्तान की राजधानी का नाम रख दिया गया है, कजिकिस्तान जो है उसका अस्थाना पहले था राजधानी का नाम, लेकिन अब क्या हो गया है नूर सुल्तान रख दिया गया है। अस्थाना जो बना था राजधानी वो 1997 में बना था किसका, कजिकिस्तान का, और अब जब हुआ है 2019 में ये नूर सुल्तान हो गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 की, हाल ही में किस देश ने पीएचडी डिग्री धारकों को, जो पीएचडी धारक हैं जो पीएचडी किए हैं उनको वीजा में छूट देगा, ये कौन से हैं, ये समझ सकते हैं कौन है, ब्रिटेन है,
ये अपना बुद्धि लगा ही देता है, तो ये ब्रिटेन है। 44 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये ब्रेग्जिट से अलग भी होने वाला है ब्रिटेन, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 के भारत ने सर्वप्रथम, ब्रेग्जिट मीन्स कि आपको यूरोपीय यूनियन से अलग हो रहा है ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 45 के भारत ने सर्वप्रथम किस पृथ्वी पात्र का परीक्षण किया था, किस पृथ्वी पात्र का परीक्षण किया था भारत ने सर्वप्रथम, ये क्वेश्चन है। तो ये जो किया गया था ये पृथ्वी द्वारा की, पृथ्वी जो पृथ्वी पात्र है उसका सबसे पहला परीक्षण किया गया था, ठीक। और जो सेटेलाइट छोड़ा गया था सबसे पहला वो आर्यभट्ट था, ठीक। और जो हमारा रिएक्टर जो सबसे पहले भारत में बनाया गया था वो अप्सरा था। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बार बार, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, जो हमारा भारत है उसका प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। जो प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी वो थी रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक। सोनिया गांधी तो आप समझ ही रहे होंगे किसकी माँ है, राहुल गांधी की माँ है, ठीक। और अगर ये क्वेश्चन देता है कि प्रथम महिला वो बताइए जो कि मुख्यमंत्री बनी थी भारत में, तो वो सुचेता कृपलानी थी। और प्रथम महिला जो क्या बनी थी राज्यपाल, तो सरोजिनी नायडू थी। प्रथम महिला जो लोकसभा के स्पीकर बनी थी वो मीरा कुमार थी, ठीक। 15वां लोकसभा के स्पीकर बनी थी, फिर 16वां लोकसभा के स्पीकर भी महिला ही बनी थी, ठीक, सुमित्रा महाजन। अभी 17वां लोकसभा के चुनाव के स्पीकर भी बन गए हैं। करंट अफेयर में मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 47 के, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री है, तो ये पूछ रहा है विश्व की पहली महिला कौन प्रधानमंत्री है, तो ये श्रीलंका के बनी थी। और ये कौन थी, तो एस भंडारनायके, जो हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है वहाँ से बनी थी, तो ये एस भंडारनायके बनी थी, याद रखिएगा। सभी चुंबकत्व का स्रोत, चुंबकत्व का स्रोत है जो यहाँ पर देखिए, सभी चुंबकत्व जो है उनका स्रोत क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जो स्रोत है ये गतिशील विद्युत आवेश जो होता है, यहीं इसका स्रोत होता है, याद रखिएगा। सभी चुंबकत्व का स्रोत गतिशील विद्युत आवेश होता है। 48 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि विरामावस्था में किसी वस्तु में इनमें से क्या हो सकता है, देखिए कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसमें क्या हो सकता है, ये पूछ रहा है। मैंने विरामावस्था की रुका हुआ है, ठीक। ये जो हो सकता है उसमें क्या हो सकता है, ऊर्जा हो सकता है। ऊर्जा देखिए, ऊर्जा रुका रहेगा, फिर भी ऊर्जा दो प्रकार का होता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा होता है जो रुका रहे, ठीक, स्थिति में जस के तस रहे। गतिज ऊर्जा वो गति के कारण होते हैं। जैसे आप ऐसे करिएगा कि आपने तीर धनुष सब चलाए होंगे, तीर को आप ऐसे तान कर रखे हैं, जब तक नहीं छोड़े हैं तब तक इसमें गति जुड़, इसकी स्थिति जुड़ जाए, स्थिति जुड़ जाए। जब ही उसे छोड़ देते हैं तो वही स्थिति ऊर्जा किसमें बदल जाता है, गति ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक। तो एक दूसरे में रूपांतरण होते रहते हैं, तो वो कुछ भी हो, विरामावस्था में हो या चलते हुए भी हो, उसमें क्या होता है, ऊर्जा होता ही है। ऊर्जा बस अपना रूप बदलता है, वो नष्ट होता है और नहीं बनता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 है कि प्रकाश का वेग पहली बार किसने मापा था, आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो हमारा प्रकाश होता है उसका किसने मापा था पहली बार, ये मापा गया था वो किसके द्वारा, तो ये रोमर द्वारा मापा गया था, जो जिसका नाम, जो फुल नाम आप जरूर याद रखिएगा, जो इसका फुल नाम था ओलाउस रोमर, ठीक। जो ये बोले थे तो ये किसने कि कितना इसका वेग था, तो 300,000 जो होता है इसका वेग, 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, याद रखिएगा। और अगर इसे मीटर में बदलना चाहते हैं तो मीटर में बदल कर भी याद रख सकते हैं, सक सकते हैं, ठीक। तो ये था, तो सबसे पहले जो इसने प्रकाश को मापा था वेग को, ठीक, याद रखिएगा, रोमर थे, 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड इसका स्पीड होता है प्रकाश का। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताइएगा। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन इसमें था, ठीक। स्टैटिक पोर्शन से भी, साइंस से भी क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल भी मैंने क्वेश्चन डालने शुरू करूंगा अगला सेट में, ठीक। तो कैसा लगा जरूर बताइए, कंटिन्यू रखे सेट को, तो यस लिखना है आपको। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्टडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।